हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे सिक्स स्टैंडर्ड का मैथ्स प्रैक्टिस सेट 14। तो देखिए स्टूडेंट, प्रीवियस जो वीडियो हमने देखा था उसमें प्रैक्टिस सेट 14 के जो 1, 2, 3 जो एग्जांपल्स है उनको हमने सॉल्व किया था, जैसे कि एडिशन था, सब्ट्रैक्शन था, डेसिमल फ्रैक्शन था। तो यहाँ पे हम जो वर्ड प्रॉब्लम दिए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो फोर्थ वन आपको दिया है, अविनाश ट्रैवल 42 किलोमीटर 365 मीटर बाय बस, 12 किलोमीटर 460 मीटर बाय कार एंड वॉक 640 मीटर। हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड ही ट्रैवल ऑल टुगेदर, कि अविनाश ने कितना ऑल टुगेदर दिया है डिस्टेंस, हमें जो भी ट्रैवल किया है डिस्टेंस ऑल टुगेदर निकालना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एडिशन करना होगा। तो हम यहाँ पे दो कॉलम्स बनाएंगे किलोमीटर के लिए एंड मीटर के लिए। तो ये होगा किलोमीटर का कॉलम और ये होगा मीटर का। तो यहाँ पे कितना दिया है, 42 किलोमीटर एंड 365 मीटर बाय बस डिस्टेंस दिया है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम बाय बस 12 किलोमीटर 460 मीटर बाय कार दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कार। नेक्स्ट है 640 मीटर दिया है, 640 ये कैसे डिस्टेंस दिया है, वॉक चल के किया है। तो ये सारे जो डिस्टेंस है उनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, जो मीटर वाले डिस्टेंस है उनके एडिशन करेंगे। तो 5 + 0 0 क्या आएगा, आंसर 5 आएगा। नेक्स्ट है 6 + 6 क्या आएगा, 12 12 + 4 क्या आएगा, 16। तो 6 लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा, 1 + 3 4 4 + 4 8 8 + 6 क्या आएगा, 14। तो यहाँ पे लिखेंगे 4, 1 कैरी होगा। तो 1 + 2 3 3 + 2 आएगा 5, 4 + 1 आएगा। तो यहाँ पे हमें आंसर क्या मिल रहा है, 55 किलोमीटर एंड 465 मीटर। लेकिन हमें बुक में दिया है एग्जांपल के साथ कि हमें आंसर किस में लिखने हैं, राइट योर आंसर इन डेसिमल फ्रैक्शन। तो डेसिमल फ्रैक्शन में हम कैसे लिखेंगे, 55.465, इस तरीके से हमें लिखना होगा। तो हमारा आंसर आएगा डेसिमल फ्रैक्शन में। तो आगे आप लिख सकते हो, हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड ही ट्रैवल ऑल टुगेदर, तो आंसर क्या आएगा, ही ट्रैवल ऑल टुगेदर 55.465 मीटर। सेकेंड वन हमें दिया है, आयशा बॉट 1.80 मीटर ऑफ क्लोथ फॉर हर सलवार एंड 2.25 मीटर फॉर हर कुर्ता। इफ द क्लोथ कॉस्ट 120 रुपीज पर मीटर, हाउ मच मस्ट शी पे द शॉपकीपर। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि ऑल टुगेदर पहले उसे कपड़ा कितना लगा है वो निकालना होगा। तो 1.80 जो दिया है इसको ऐड करना होगा 2.25 से, और उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, जो भी आंसर आएगा उसे मल्टीप्लाई करेंगे 120 से। तो सबसे पहले हम एडिशन करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1.80 मीटर प्लस 2.25 मीटर, इनको पहले ऐड करेंगे। ये इसने किसके लिए लिया था, 1.80 फॉर हर सलवार, और ये लिया था कपड़ा उसने किसके लिए, कुर्ता के लिए। तो इसका क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। 0 + 5 क्या आएगा, 5, 8 + 2 आएगा 10, 0 carry 1, 1 + 1 2, 2 + 2 आएगा 4। तो आंसर क्या आएगा हमारा यहाँ पे, 4.05 आएगा, कि जो भी उसे कपड़ा लगेगा टुगेदरली दोनों को साथ मिला के वो कितना आएगा, 4.05 मीटर आएगा। अभी हमें नेक्स्ट दिया है, इफ द क्लोथ कॉस्ट 120 रुपीज पर मीटर, क्लोथ का कॉस्ट हमें कितना दिया है, 120 रुपीज पर मीटर दिया है। तो ये जो हमें मीटर में उसने ये कपड़ा लिया है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें टोटल जितना कपड़ा लगा है उसकी कॉस्ट मिलेगी। तो क्या दिया है यहाँ पे, 4.05 × 120, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × 5 = 0, 0 से अगर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। नेक्स्ट 2 दिया है, 2 × 5 = 10, 0 carry 1 आएगा, 2 × 0 = 0 और ये 1, तो क्या आएगा आंसर यहाँ पे, 1, 2 × 4 = 8, नेक्स्ट लेंगे हम 1, 1 × 5 = 5, 1 × 0 = 0 आएगा, 1 × 4 = 4 आएगा। तो 0 0 0 + 0 = 0, 1 + 5 = 6, 8
एंड 4 आएगा। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट हमें कहाँ पे दिया है देखिए, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन किया है फ्रैक्शन के साथ, तो आंसर में भी हमें फ्रैक्शन देना होगा, तो कहाँ पे देंगे पॉइंट, यहाँ पे 1 2 डिजिट छोड़ के है, तो 1 2 डिजिट छोड़ के देंगे तो क्या आएगा आंसर, आएगा हमारा 486। पॉइंट के बाद जीरो ही है तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, या फिर हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो रुपीज में हमें आंसर कितना मिलेगा, 486 रुपीज उसे कपड़े लेने के लिए लगेगा, या फिर जो भी दिया है क्वेश्चन हमें, हाउ मच मस्ट शी पे द शॉपकीपर, शी पे द शॉपकीपर कितने रुपीज आएगा, वो 486 रुपीज। नेक्स्ट हमें दिया है सुजाता बॉट अ वाटरमेलन वेइंग 4.25 kg एंड गेव 1 kg 750 g टू द चिल्ड्रेन इन हर नेबरहुड, हाउ मच ऑफ इट डज शी हैव लेफ्ट। लेफ्ट दिया है इसका मीन्स हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा, सब्ट्रैक्शन करना होगा। तो उसके पास वाटरमेलन जो था उसका वेट कितना दिया है, 4.25 kg, तो यहाँ पे फिर से हम दो कॉलम बनाएंगे केजी और ग्राम के लिए, तो 4.25 दिया है तो 4 kg एंड 25 g है। उसके बाद देखिए ग्राम में हमें लिखना है, तो यहाँ पे क्या होगा 250 g हो जाएगा, एंड गेव 1 kg 750, माइनस करना होगा हमें, या फिर हम जीरो अगर पहले नहीं लिखेंगे तो भी माइनस करने के लिए हमें यहाँ पे जीरो लिखना होगा, तो जीरो माइनस जीरो क्या होगा जीरो, 5 - 5 0, 2 से 7 माइनस होगा क्या, नहीं होगा, तो यहाँ से हमें बोरो करना होगा, तो ये 12 हो जाएगा और ये 4 3 हो जाएगा, तो 12 में से अगर 7 जाएगा तो 5 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो आंसर हमें क्या मिलेगा 2 kg एंड 500 g। तो इसे ही हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2.5 kg इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हाउ मच ऑफ इट डज शी हैव लेफ्ट, तो उसके पास कितना वाटरमेलन बचेगा, 2.5 kg। नेक्स्ट 7-1 हमें दिया है, अनीता वॉज ड्राइविंग एट अ स्पीड ऑफ 85.6 km/h, द रोड हैड अ स्पीड लिमिट ऑफ 55 km/h, बाय हाउ मच शुड शी रिड्यूस हर स्पीड टू बी विद इन द स्पीड लिमिट। तो प्रॉब्लम में हमें क्या दिया है कि अनीता का जो स्पीड था यहाँ पे वो कितना है कि 85.6 km/h उसका स्पीड है, लेकिन जिस रोड पे वो जा रही है उस रोड का स्पीड लिमिट दिया है वो कितना है, 55 km/h लिमिट है, तो जो उसका ओरिजिनल स्पीड है उस स्पीड को कितना वो रिड्यूस करेगी, तब जो लिमिट वहाँ पे दिया है मीन्स 55 km तक उसे आने के लिए कितना स्पीड रिड्यूस मीन्स कम करना होगा, तो रिड्यूस करना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो उसका जो स्पीड दिया है वो कितना है यहाँ पे 85.6 km है पर आवर, किलोमीटर पर आवर दिया है। और नेक्स्ट हमें माइनस क्या करना है, 55 km/h, तो इसको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 6 एज इट इज आएगा, उसके बाद 5 - 5 अगर करेंगे तो क्या आएगा 0, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, 8 - 5 करेंगे तो 3 आएगा, तो उसको कितना स्पीड कम करना होगा, 30.6 km/h जब ये रिड्यूस करेगी स्पीड, तो वो जो लिमिट दिया है स्पीड लिमिट दिया है उतना क्या आएगा यहाँ पे उसका स्पीड उसे करना होगा।